एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑलराउंडर। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये जो दिख रही पिंक टी शर्ट वाली, और ये है मेरी जेट की लड़की यानी डिंकी की बड़ी बहन है। ये तीन बहन है, एक भाई है। ऐसा है, तो ये आई थी तो हम लोग सब चाय वगैरह बनाए, चाय पी रहे थे यहाँ बैठ के। और ये अंकिता है पीयू की मम्मी, ये भी आई थी, इनको लेके आई थी। फिर ये चले गए शाम को, तो बस यही कुछ हम लोगों का। फिर उन्होंने है ना मना कर दिया था कि मेरा वीडियो मत बनाओ, क्योंकि नहीं अच्छा लगता ना किसी किसी को। उसके बाद ये डिंकी परी तैयार हो रही थी, और वो मेरी नन के जो ऑफिस में जॉब करते हैं उनके यहाँ है ना पार्टी थी, बर्थडे पार्टी। तो उनको बुलाया तो डिंकी परी को भी बुला लिया था, तो डिंकी परी भी जा रही थी उनके साथ। तो मैंने सोचा कि चलो चले जाए, तो ये रो रही थी यहाँ पे। तो ये डिंकी थोड़े से लिप बम लगा रही थी, और परी भी तैयार होके जा रही थी। तो मैंने कहा कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके 8, और है ना मैं सुबह मॉर्निंग में घर में पूजा की थी, और मैं मंदिर में दूध चढ़ाने नहीं गई थी। आज फर्स्ट सावन का पहला सोमवार है मुझे, तो मैं है ना दूध चढ़ाने जा रही हूँ अभी। तो मैं जा रही हूँ दूध चढ़ाने, तो उस मॉर्निंग में है ना कोई साथ नहीं था, और इतनी दूर मैं नहीं जा सकती थी। तो अभी डिंकी परी गए हैं यहाँ पे पार्टी में गई है, वो उनके बुआ के साथ मतलब बर्थडे है कई उनके फ्रेंड्स के या मतलब किसी का तो पता नहीं, लेकिन वो छकुली को जैसे मेरी जेठानी की जेठ की लड़की जो भतीजी है ना उनको बुलाया था, तो डिंकी परी को भी बोले कि चलो। तो गई है, तो मैं जा रही हूँ दूध चढ़ाने, और पास में मंदिर है, तो मैं आती हूँ जल्दी से मंदिर में दूध चढ़ा के और पूजा करके फिर आपको मिलती हूँ। तो ये फिर नेक्स्ट डे की है, मंदिर में गई थी मैं मंडे को, तो उसके बाद है ना मैंने बनाया। तो ये ट्यूसडे का है, तो यहाँ पे मॉर्निंग में छकुली आ गई थी, तो उनके लिए मैं ना जल्दी खाना बना रही थी। वो बोल रही थी शायद मैं शाम को जल्दी निकल जाऊँ, तो मैंने सोचा चलो कहीं भरोसा नहीं कि निकल जाए, तो मैंने जल्दी से आलू की सब्ज़ी बना ली थी उनकी पसंद की, क्योंकि वो खाना ही नहीं खाती और क्या बनाए मुझे समझ में नहीं आता। पनीर भी नहीं खाती है, नॉनवेज तो खाती ही नहीं है, तो नॉनवेज को तो देखती भी नहीं। तो मैंने सोचा चलो आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाई जाए। फिर मैंने रात के लिए ना छोले गला दिए थे, तो ये देखिए वो खाना खा रही थी और बोल रही थी मैं इतनी शांत है। कॉलेज में जाती है वो है ना बीटेक कर रही है। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग है ना ये आ गए थे सिद्धाजी, तो मैं उनको है ना मार्केट ले गई थी, क्योंकि सब ने कपड़े ले दिए थे, बस मैं बची थी। तो मैंने वो बोला कि मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, और मैं बोली जो आपको पसंद है ना वही लेना। तो वो है ना इतने मतलब कम कीमत वाले कपड़े देख रही थी ताकि हम लोगों को परेशानी ना हो पड़े, नहीं मुझे लेना ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ना उनको तो इनको ये पसंद आ गया था, तो मैंने सोचा चलो ले ले। लेकिन उन्होंने वो प्राइस दे के बोले नहीं हमको उससे भी कम चाहिए था। तो उन्होंने है ना ये जो उनके हाथ में दिख रहा है ना उस टाइप का ही मतलब दूसरे कलर का लिया था, तो वन पीस लिया था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कॉलेज के हिसाब से लेना, क्योंकि दोनों बुआ ने जीन्स ले दिए थे, चार टॉप ले दिए थे, और मॉम वो विनीता ने उनको टॉप ले दिए थे, तो बहुत अच्छा मतलब ये हो गया था। तो मैंने कहा थोड़ा अलग हट के ले लो, तो वो गाउन का दिखा रहे थे, तो उन्होंने गाउन का बिल्कुल सिंपल कपड़े मांगे थे, तो मैंने सोचा चलो वन पीस ले लो। तो उन्होंने ना वन पीस ये कर लिया, ये देखिए। तो वो जो मैं बता रही थी ना उन्होंने हाथ में ले लिया था, उनको पसंद आ गया था। फिर हम घर में आ गए, तो घर में आने के बाद ये लोग है ना पिज्ज़ा पुलके वगैरह खाने गए थे, और ये टिंकल ने है ना बर्गर मंगा लिया था, तो ये लोग बर्गर खा रहे हैं। और उन्होंने मना किया क्योंकि वो है ना ऐसी चीज़ें खाती नहीं, बोल रही मैं नहीं खाऊँगी, देखो मैं दे रही थी, तो बोल रही नहीं मैं नहीं खाऊँगी, और वीडियो भी बनाने के लिए मना कर रही थी। इतनी स्माइल है और बिल्कुल धीरे बोलती है, डिंकी परी की बिल्कुल उलटी है ये डिंकी, वो चिल्लाती रहती है परी भी, और लेकिन वो इतनी मतलब इतनी क्यूट बातें करती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी सालों के बाद आए थे, तो यहाँ पे डिंकी खा रही है और छकुली मना कर रही है, उनके लिए रखा था। फिर ये लोग है ना घूमने चले गए, तो फिर मैं यहाँ पे ना छोले की सब्ज़ी बनाई, रस बनाई और पूड़ी वगैरह, क्योंकि उनको मुझे लगा कि रात को ही जाना था, लेकिन वो गए नहीं, बड़ी बुआ के आ गए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कहीं पानी ना आ जाए करके रात को पूड़ी बना रही हूँ। और छोले बनाई थी, ये देखिए छोले भजिए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पूड़ी का ही दिखा देती हूँ आपको। और ये देखिए यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, और डिंकी सर्व करेगी, मैं है ना गरम गरम पूड़ी निकाल रही हूँ। मेरी नन भी आई थी, तो सब आए थे ना, बहुत अच्छा लगता है, बुआ भतीजी और भाई और एवरीवन। तो अभी मैं है ना आपको डायरेक्ट पता है आज सुबह से मंडे में, आज ट्यूसडे है,
और मंडे का भी मैंने व्लॉग नहीं थोड़ा सा बनाया था, मैं मंदिर गई थी वो मेरे से लैप्स हो गया था, तो थोड़ा सा मतलब मैं आपको बोली उसके बाद मैंने करा था लेकिन वो हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुआ था, मंदिर का इतना अच्छा ये था लेकिन वो हुआ ही नहीं। फिर मैं घर में आई तो डायरेक्ट आपको है ना आज ट्यूसडे मतलब आपको वेनसडे को ये मिलेगा, तो ट्यूसडे का ही मैंने और मेरी जो भतीजी है यानी कि मेरी जेठ की लड़की तो छकुली नाम है उनका, तो प्रांजलि नाम है लेकिन घर में छकुली बोलते हैं, तो वो है ना आ जाई थी, तो पूरा दिन मतलब मैंने मोबाइल भी उठाया नहीं, बातों में हम लोग अच्छे रहे क्योंकि बहुत मतलब सालों के बाद आए हैं तो इधर उधर की बातें ऐसे वैसे बातों में हम रहे तो कैसे हमारा दिन गया हमको पता ही नहीं चला। फिर डिंकू को लाने गए तो इसलिए है ना कुछ भी, और मैंने फिर आज रस पूरी बनाए और अच्छा लगा मुझे तो। और अब भी मतलब उनको जाना था छोटी बुआ के, या फिर वो अपना उनका कॉलेज चालू हो गया ना तो फिर उनका वहाँ से रिजर्वेशन करेंगे, फिर वहाँ से उनको बिठा देंगे, मतलब वहाँ से कोई वहाँ से जाएंगे, कब जाएंगे पता नहीं, अभी रिजर्वेशन करने अभी बुआ के आ जाएगी छोटिया, तो उनको वो रात भर भी नहीं रुकी, मुझे लगा चली जाएगी, तो अभी वो बड़ी बुआ के आई गई है, काश यहाँ पर सो जाती तो अच्छा रहता लेकिन वो कल सुबह ही जाएगी छोटी बुआ के यहाँ, तो इसीलिए उनको कपड़े वपड़े भी पैकिंग करनी थी बड़ी बुआ के यहाँ से, तो इसीलिए और बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग है ना कपड़े लेने वगैरह उनके वही पसंद के, और इतनी मतलब बोल रही थी मत लो तो बहुत क्यूट है वो, बोलने में बिल्कुल नाजुक है, बहुत अच्छे तीन बहनें, अच्छा लगा। फिर ये लोग है ना घूमने गए तो इन लोगों ने अपनी पिक्चर वगैरह डाली, तो थोड़ी थोड़ी भी क्लिप करूँगी आपके साथ, तो बस यही बहुत अच्छा दिन गया, आज कैसा दिन गया पता ही नहीं चला, तो सोचा चलो अभी एंडिंग कर देते हैं, तो कैसा एंडिंग कर देती वीडियो का, तो अब मतलब अच्छा लगा। तो गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर तो नहीं करेंगे लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जो भी न्यू है फर्स्ट टाइम वो सब्सक्राइब और प्यार कमेंट भी करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।